नोरा ने डांस करते वक्त की ऐसी हरकत फूटा लोगों का गुस्सा। आलिया भट्ट ने ओरी को किया इग्नोर। करीना के बेटे जय ने की ऐसी हरकत, एक्ट्रेस की परवरिश पर उठा सवाल। जानिए इस हफ्ते की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज पर एक नजर। नोरा फतेही अपने डांस मूव्स को लेकर हुई बुरी तरह से ट्रोल। दरअसल वो एक रियलिटी शो में नजर आई। इस दौरान उन्होंने स्टेज पर डांस करते हुए खुद पर पानी भी डाला। एक्ट्रेस की ये हरकत देख नेटिजंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने खूब खरी खोटी सुना दी। ओरी और आलिया भट्ट की एक फोटो सामने आई है जिसे देखकर नेटिजंस कयास लगा रहे हैं कि राहा की मम्मी ने ओरी को इग्नोर कर दिया। आप देख सकते हैं इस फोटो में ओरी रणबीर से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। वही बगल में बैठी आलिया कहीं और देखती दिखाई दे रही है। ये फोटो फिल्म फेयर का है। हाल ही में एक नेटिजन ने रेडिट पर एक रिपोर्ट के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के अपने लॉस एंजलिस वाले घर को छोड़ दिया है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि दोनों लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका जो अपनी हवेली से कई तस्वीरें पोस्ट करती थी, उन्होंने अब ऐसा करना बंद कर दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। सलमान खान से जुड़ा ताजा मामला सामने आया है। दरअसल हाल ही में सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने फर्जी कास्टिंग कॉल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही लोगों से इस तरह के कॉल और मेल पर विश्वास न करने की अपील की है। कंगना रनौत ने अपने हेटर्स को करारा जवाब दिया है। दरअसल उनकी फिल्म टीकू वेड्स शेरू ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म की लिस्ट में 8वें नंबर पर आई है। इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने पेड हेट और नेगेटिविटी फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जैकलीन पर बड़ा आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के बारे में न सिर्फ सब कुछ जानती थी बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का भी मजा उठा रही थी। इस मामले में सामने आए नए अपडेट में ईडी ने जैकलीन पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगाए है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल 2024 की तारीख तय की है। करीना कपूर के छोटे बेटे जय का एक वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं कार से उतरकर वो टिश्यू फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देख नेटिजंस करीना के परवरिश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या अर्जुन कपूर ने रणबीर कपूर को किया इग्नोर? दरअसल दोनों का एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है अर्जुन आगे है और रणबीर पीछे है। दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देख नेटिजंस कयास लगा रहे हैं कि अर्जुन ने रणबीर को इग्नोर किया है। ट्विटर पर शाहरुख खान के फैन से भिड़े रणबीर कपूर के सपोर्टर्स। दरअसल फिल्म फेयर अवार्ड्स में रणबीर को फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर से नवाजा गया, जिसके बाद से शाहरुख खान के फैंस काफी भड़के हुए हैं। उनका मानना है कि फिल्म जवान और पठान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किंग खान को दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो काफी उदास है। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने एक स्टूडेंट को चप्पल घूंसों से मारते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने इस वीडियो पर सफाई दी है। डालिए एक नजर। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है नवीद हसनैन, जिनके बारे में ये वीडियो जो है वो हुई है। तो आप इनकी जुबानी सुनिए। और इनसे मैंने उस वक्त भी, उसके बाद, उस वाकये के बाद मैंने माफी भी मांगी इनसे, और अभी भी ऑन द रिकॉर्ड मैं इससे बच्चे से माफी भी मांगता हूँ। ये मेरा बेटा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। नाज़रीन के मेरे उस्ताद जी है, मेरे बाप है, मेरा मुर्शिद है। ये जिसने भी ये हरकत की है ना, बिल्कुल ये बेवकूफी वाली हरकत है। मेरे उस्ताद जी है, मेरे पीर है। बाप बेटे को मारे देते होते हैं, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। वो जो पानी था, वो पीर साहब का दम की आवाज था, वो मैं अकेले ही भूल गया था। तो इस वजह से उस्ताद जी ने मुझे डांटा, अदरवाइज ऐसी कोई भी बात नहीं है।
जो भी हरकत कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे उस्ताद जी को, मेरे उस्ताद जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत समझ ला रहे हैं माशाल्लाह साहब। आप बताएं जो आदमी ये हरकत कर सकता वो कितना अच्छा होगा। मतलब जो ये गलत खबरें मेरे बारे में उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं जुल्म करता हूँ, वो अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि वो कितने जालिम हैं। हमारे साथ उस्ताद जी ने बहुत ज्यादा प्यार किया और करते रहेंगे। हमारा 40 साल से उस्ताद जी इस घराने से उस्ताद जी के साथ रिश्ता चलता आ रहा है, तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद जी पूरी दुनिया में एक है। मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे उस्ताद जी जैसा कोई भी नहीं है। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये ब्लैकमेल मेरे उस्ताद जी को करना चाह रहे हैं।